आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा होममेड उपटन जिसे आप यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगी, हेल्दी होगी, कलर कॉम्प्लेक्शन आपका लाइट होगा, बल्कि आप इसे फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस से लेके फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। 100% होममेड है, घर पर रखे हुए कुछ इन्ग्रीडियंट के साथ आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम में आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको इसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है। कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड फर्स्ट टाइम में आपको कुछ ऐसा रिजल्ट इस रेमेडी से मिलने वाला है, ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। एंड फर्स्ट टाइम में जब ऐसा रिजल्ट मिल सकता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप इसे लगातार यूज़ करेंगे तो आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना। ये आपका जो वीडियो है वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाला है, यकीन मानिए। इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन 110% ब्राइट तो होने वाली है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। सो चलिए हम इस उपटन को बनाना तैयार करते हैं। तो ये एक मैं बोल सकती हूँ कि नए तरीके का उपटन है, लेकिन हाँ, स्किन को ब्राइट करेगा, इसकी 100% मैं गारंटी लेती हूँ। तो इसके लिए आपको बेसन चाहिए। आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे फुल बॉडी पर अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि जितना आप बनाएंगे उतना आप अपने अपने खुद भी यूज़ कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर को भी यूज़ करा सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसा उपटन है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि इसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के फेस पे मत लगाइए, लेकिन हाँ, हाथ पैरों पे आप अच्छे तरीके से उपटन इससे लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के बराबर बेसन लिया हुआ है, उसमें 1 पिंच ऑफ हल्दी जो है, ये वाइल्ड टर्मरिक है यानी कि कस्तूरी हल्दी जो होती है वो है, ये कुकिंग में यूज़ करने वाली हल्दी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो वाइल्ड टर्मरिक होती है वो स्किन के लिए होती है, जो कुकिंग में यूज़ करते हैं हम हल्दी वो स्किन के लिए बिल्कुल नहीं होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपके स्किन से जो मैल गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जम जाती है हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे स्पेशली, और कोहनियों पे, घुटनों पे, तो उस मैल को पूरी तरीके से काट देता है यानी कि ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे मैंने जो कॉफ़ी पाउडर है वो लिया है। कॉफ़ी पाउडर में कोकोआ बीज होता है जो स्किन को इंस्टेंटली फेयर दिखाता है, फेयर कर देता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम फेस पैक लगाते हैं तब तो हमारी स्किन ब्राइट हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन वापस से वैसा हो जाता है। तो भाई दोबारा रेमेडी बनाओ और दोबारा लगा लो। कोई भी चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। कलर कॉम्प्लेक्शन को अगर फेयर करना है तो आपको उस जो भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं चाहे रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, वीक में उसे 2 से 3 बार आपको अप्लाई करना ही होता है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड लास्ट में हमने इसमें दही ऐड किया है। दही भी घर का ही है, जितना खट्टा दही होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेश दही लेने के बजाय आप जितना खट्टा आपके पास दही है, 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और बेसन जो होता है वो हमारे स्किन को ब्राइटनेस पहुंचाता ही पहुंचाता है। और बेसन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो किसी को इरिटेट करे, किसी की स्किन को ना सूट करे। मैंने आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं सुना है कि हमें बेसन सूट नहीं करता है। हाँ, बेसन कई तरीके के आते हैं, मार्केट में अच्छा अवेलेबल नहीं होता, आप घर पे जो चना होता है उसको मिक्सी में, चने की दाल जो होती है उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए अच्छे तरीके से, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अभी से आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपने पूरे हाथों पर, आपको एक हाथ पर मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि बाकी का मैं बाद में अपने यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक हाथ पे अच्छे तरीके से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैं इसे लगातार यूज़ करती हूँ, मैं इसे वीक में 2 से 3 बार इस उपटन को लगाती ही लगाती हूँ। हाँ, सर्दियों में थोड़ा यूज़ करना मुश्किल हो जाता है तो कभी कभी स्किप हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसे यूज़ करने की। और आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मेरी स्किन पहले से भी ब्राइट है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों की स्किन तो पहले से ही ब्राइट होती है, आप लोग किसी काले इंसान को लाइए, गोरे इंसान को लाइए। देखिए, काला गोरा कुछ नहीं होता, अगर आप अपने स्किन को पैम्पर करते हैं, अपनी स्किन की देखभाल करते हैं, तो आपके स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं, हमारे स्किन का कलर भी अगर हम देखभाल ना करें तो हमारे स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन भी डल हो जाता है। कुछ 15 से 20 मिनट बाद आपको अपने हाथों को धुल लेना है, यानी कि इतना टाइम आपको लेना ही लेना है कि वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में ही आपको कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा।
तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे गिव अवे अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप जानते हैं मैं हमेशा ही बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स लेकर आती हूँ आप सभी के लिए। सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।